हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट गवर्नमेंट जॉब पे, जहां मिलते हैं आपको गवर्नमेंट जॉब्स के लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्तों, अभी हम बात कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड MPPGCL ने जूनियर इंजीनियर और अकाउंट ऑफिसर की वैकेंसी निकाली है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आगे भी आपको गवर्नमेंट जॉब्स के लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल जाया करें। अब बात करते हैं इस वैकेंसी संबंधित इंपॉर्टेंट डिटेल्स की। तो इसके फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे आपके 29 जनवरी 2019 को, और जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है आपकी 28 फरवरी 2019। और एप्लीकेशन फ़ीस की बताएँ तो एप्लीकेशन फ़ीस जनरल OBC एंड जो अदर स्टेट्स के कैंडिडेट्स हैं उनकी 1000 रुपीज़ है, 1000 रुपये है। और जो SC ST और PH दिव्यांग होते हैं उनकी एप्लीकेशन फ़ीस 800 रुपीज़, 800 रुपये। टोटल वैकेंसी 64 है, जिसकी गणना एज लिमिट की गणना 1 जनवरी 2019 के अकॉर्डिंग की जाएगी। और जहाँ तक एज लिमिट का सवाल है तो बता दूँ, जूनियर इंजीनियर के लिए मिनिमम एज 18 वर्ष और मैक्सिमम 25 ईयर है अदर स्टेट्स के कैंडिडेट्स के लिए, और जो MP के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए मैक्सिमम एज 40 ईयर्स है। ऐसे ही अकाउंट ऑफिसर की मिनिमम एज 21 है और मैक्सिमम एज 28, अदर स्टेट्स के कैंडिडेट्स की 28 है, और जो MP के कैंडिडेट्स हैं उनकी मैक्सिमम एज 40 है। अब बात करते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है उसकी। तो जूनियर इंजीनियर JEE प्लांट के लिए मैकेनिकल ट्रेड में जनरल में 17, SC में 5, ST में 7, OBC में 4, टोटल 33 वैकेंसी है। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है, डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। दूसरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ट्रेड है, उसमें जनरल में 5 वैकेंसी, SC में 2, ST में 2, OBC में 2, टोटल 11 वैकेंसी है। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होना चाहिए इसके लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स में 6 जनरल, 1 SC, 2 ST, 2 OBC, टोटल 11 वैकेंसी हैं। बात करें तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी चाहिए वो आपके डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन या फिर AE इंजीनियरिंग का होना चाहिए। बात करते हैं अकाउंट ऑफिसर AO की, तो इसमें जनरल में 1 वैकेंसी है, SC में 4, ST में 4, टोटल 9 वैकेंसी। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो आपके पास या तो आपने CA कर रखी होनी चाहिए या आपके पास MBA होनी चाहिए विद फाइनेंस या फिर PGDVM होना चाहिए विद 60% मार्क्स, और SC ST के लिए मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। और एक बार आप अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन अवश्य पढ़ लें। और कैटेगरी ज़्यादा कैटेगरी सवाल है तो बता देता हूँ, अकाउंट ऑफिसर के लिए जनरल में 1 है, SC में 4, ST में 4, टोटल वैकेंसी है। वहीं JEE जनरल जूनियर इंजीनियरिंग के लिए 28 जनरल, SC 8, ST 11, OBC 8, टोटल 55 वैकेंसी हैं। वहीं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जनरल 17, SC 5, ST 7, OBC 4, टोटल 33, इलेक्ट्रिकल में 5 जनरल, 2 SC, 2 ST, 2 OBC, टोटल 11 वैकेंसी। इलेक्ट्रॉनिक्स में 6 जनरल, 1 SC, 2 ST, 2 OBC, टोटल 11 वैकेंसी हैं। अब बात करते हैं जो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो रिजर्व वैकेंसी है उनकी। अकाउंट ऑफिसर के लिए 1 SC में, 1 ST में, टोटल 2 वैकेंसी हैं। JEE मैकेनिकल में 6 जनरल, 2 SC, 2 ST, 1 OBC, टोटल 11 वैकेंसी हैं। JEE इलेक्ट्रिकल 2 जनरल, 1 SC, 1 OBC, टोटल 4 वैकेंसी हैं। JEE इलेक्ट्रॉनिक्स 2 जनरल, 1 ST, टोटल 3 वैकेंसी हैं। और जो PA फिजिकल डिसेबल्ड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए हियरिंग इम्पेयर्ड में अकाउंट ऑफिसर में 1 है और JEE प्लांट में 3 वैकेंसी अवेलेबल हैं। अब बात करते हैं जो एज कैलकुलेशन किस हिसाब से होगी, तो एज की गणना 1 जनवरी 2019 के हिसाब से की जाएगी। मिनिमम एज है अकाउंट ऑफिसर के लिए वो 21 साल है, और मैक्सिमम एज मेल एप्लीकेंट जो अनरिजर्व कैटेगरी के उनकी 40 ईयर है, और अदर स्टेट्स के जो हैं उनकी 28 है। मैक्सिमम एज फीमेल कैंडिडेट 45, जो MP के अदर स्टेट्स के उनकी 28 है। मैक्सिमम एज एप्लीकेंट वर्किंग गवर्नमेंट कॉर्पोरेट वॉल्ट ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट एम्प्लॉई एंड होमगार्ड 45 एज है, MP अदर स्टेट 28। मैक्सिमम एज SC ST PH 45, अदर स्टेट 28। बात करते हैं JEE की एज लिमिट की, तो मिनिमम एज है 18, अदर स्टेट्स 18। मैक्सिमम एज है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए MP के जो है उनकी 40 है और अदर स्टेट की 25 है। मैक्सिमम एज फीमेल कैंडिडेट्स MP की 45, अदर स्टेट 25। मैक्सिमम एज एप्लीकेंट वर्किंग की 45, MP अदर स्टेट 25। मैक्सिमम एज रिजर्व कैटेगरी SC ST OBC और PH और PD 45 है, अदर स्टेट्स के लिए ये इसकी जो एज लिमिट है वो है आपकी
25। जहाँ तक एज रिलैक्सेशन का सवाल है तो इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। एससी एसटी ओबीसी और एक्स सर्विस मैन उनको 5 साल की रियायत दी जाएगी वो, और जो कि एमपी के कैंडिडेट होने चाहिए। अब बात करते हैं सैलरी की। तो जो अकाउंट ऑफिसर है उनका पे स्केल होगा 56,100 से 177,500, और जो बेसिक पे 56,100। उसका जो पे मैट्रिक्स होगा वो होगा लेवल 12 के अकॉर्डिंग। वहीं अगर जेई की बात करें तो पे स्केल होगा 32,800 से 103,700 तक। इसकी जो बेसिक पे होगी वो होगी 32,800। उसका जो पे लेवल मैट्रिक्स होगा वो होगा लेवल 8 के अकॉर्डिंग। और जो डी ए एंड अदर अलाउंस और जो फ्रेंच बेनिफिट्स एप्लीकेबल होते हैं वो एज ए कंपनी रूल आपको दिए जाएंगे। तो दोस्तों कमेंट करके बस बताएं कि आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि समय पर आपको गवर्नमेंट जॉब्स के लेटेस्ट अपडेट मिल जाया करें। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।